Welcome back to series of theory of computers, and today we discuss about the finite automata with output. अब तक हमने जितने भी finite automata देखे उनमें output नहीं देखा, तो अब बात करूँगा finite automata में output कैसे आ रहा है. तो देखो ये कुछ भी नहीं है, इसमें एक क्या होगा output function होगा, और ये output function या output depend करेगा आपके present input या और प्रेजेंट आउटपुट दोनों पर, या केवल है ना प्रेजेंट स्टेट के ऊपर. ये डिसाइड करेगा मशीन कौन सी, या तो मूरे होगी या मीले होगी. तो ये दोनों मशीन भी हम पढ़ने वाले हैं वन बाय वन. और ये है हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि एक्सेप्ट द सेट ऑफ एक्सेप्टिंग स्टेट इज रिप्लेस्ड बाय आउटपुट सेट एज एन आउटपुट फंक्शन. देखते हैं क्या होता है. सो मैं बात करूंगा सबसे पहले मूरे मशीन की. इसको हम बोल सकते हैं रेस्ट्रिक्टेड मशीन. रेस्ट्रिक्टेड क्यों बोला गया है, इसलिए बोला गया है क्योंकि ये केवल है ना आपके प्रेजेंट स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है. इसको मतलब नहीं है आपका जो करंट इनपुट सिंबल क्या है. सो मूरे मशीन है, एक बात आपको बता दूँ, ये केवल प्रेजेंट स्टेट के ऊपर ही वर्क करेगी, उस पर डिपेंडेंट रहेगी. और इसके अंदर सिक्स टपल होते हैं, क्यू समीशन डेल डेल्टा लेमडा क्यू जीरो. आप पाँचों से अवेयर हो. मैं एक बात करूंगा लास्ट उसकी आउटपुट अल्फ़ाबेट की, आउटपुट फंक्शन बोल दो जो डेल है हमारा, और बाकी सब सेम रहने वाला है. ट्रांजिशन फंक्शन भी सेम रहने वाला है. और इसके अंदर एक जो हमारा लेमडा है वो क्या करता है कि क्यू बिलोंग्स टू डेल कर देता है, वेयर द क्यू इज़ द प्रेजेंट स्टेट एंड डेल इज ए आउटपुट. अगर आप जेड टी को आउटपुट बोलते हो और क्यू टी को आप प्रेजेंट स्टेट बोलते हो, तो इसको टाइम के डिनोट पर ये होगा जेड टी इक्वल टू लेमडा क्यू टी. चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं. यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है जिसके अंदर क्यू जीरो क्यू वन क्यू टू एंड क्यू थ्री दे रखा है. सबके आउटपुट भी दे रखे हैं, आपको दिख रहा होगा आउटपुट ए आउटपुट ए आउटपुट ए आउटपुट ए दिख रखा है, आउटपुट बी भी दिख रखा है. अब इसके अकॉर्डिंग आपको टेबल को ड्रॉ करना है. टेबल वही पैटर्न रहेगा, एक एक्स्ट्रा कॉलम एड होगा, वो है आपका आउटपुट का. सबसे पहले मैं क्यू जीरो की बात करूँ, तो क्यू जीरो के अंदर मैं कहाँ पर ए देने पर कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ क्यू वन पर जा रहा हूँ, और बी देने पर क्यू थ्री पे जा रहा हूँ. इसका आउटपुट क्या निकल रहा है, ए निकल रहा है. ये मैंने कैसे देखा, यहाँ पे देखो इसके आउटपुट को ऐसे शो करते हैं, इसके आउटपुट को ऐसे शो करते हैं, दोनों में ए जा रहा है, तो इसके आउटपुट में रिजल्ट में ए आया. अब मैं बात करूँगा क्यू वन के ऊपर, तो क्यू वन के अंदर मैं देखूँ तो मैं जा रहा हूँ कहाँ पे, एक तो क्यू जीरो पर और एक जा रहा हूँ वापस क्यू वन पर, जिसके अंदर ए जा रहा है और यहाँ पर बी जा रहा है. तो इस केस में मेरा क्या हो गया, यहाँ पर ए आ गया. अगेन देखते हैं अब क्या होता है. सो क्यू टू पे बी देने पर क्यू वन पे जा रहे हैं अपन, और क्यू वन पे क्यू टू पे ए देने पर क्यू टू पे जा रहे हैं. तो इनके आउटपुट देखे तो ए और ए दोनों में आ रहा है, तो ए हो गया. इसी प्रकार क्यू वन अपने स्टेट देखी थी उसमें भी ए और ए ही था, वो बी नहीं था, ए ही था. अब बात करता हूँ क्यू थ्री पर, तो क्यू थ्री पे ए देता हूँ तो मेरे को आउटपुट में बी मिलता है, बी देता हूँ तो बी मिलता है, और ए देने पर मैं जा रहा हूँ क्यू थ्री पर ही जा रहा हूँ, और बी देने पर क्यू टू पर जा रहा हूँ, तो मेरा आउटपुट बन जाता है यहाँ पर ए ए ए बी. अब देखो ये मेरी हो गई एक तरह से, इसमें इनपुट हो गया. अब मैं सपोज करूँ एक स्ट्रिंग दे रखी है क्वेश्चन के अंदर की ए बी ए बी, ए के लिए आपको फाइंड आउट करना है आउटपुट. तो ये सिंपली इसने दे रखा है, जैसे कि इन्होंने क्यू जीरो से स्टार्ट किया, ए देने पर हमें पता कहाँ जाएंगे क्यू वन पर जाएंगे तो क्यू वन पर गए, बी देने पर कहाँ जाएंगे क्यू जीरो पर जाएंगे, फिर अगेन ए देना है, ए देने पे कहाँ जा रहे हैं क्यू वन पे जा रहे हैं, ठीक है, एंड बी देने पर क्यू वन पे वापस क्यू जीरो पे जा रहे हैं, ए देने पे वापस क्यू वन पे आ जा रहे हैं. तो इस केस में आउटपुट भी देखना है साथ में इसके इक्वली. यहाँ पर ए था ए था ए था वापस ए ए ए, तो हमारा आउटपुट क्या हो गया यहाँ पर ए ए ए ए ए. आपने इस क्वेश्चन में एक चीज़ नोटिस ये की होगी कि आप इनपुट चाहे कोई से दे दो रिजल्ट हमेशा ए ए ए आ रहा है. तो इससे साबित होता है मूरे सही बोला था कि ये प्रेजेंट स्टेट पे ही डिपेंड कर रहा है, ना कि इनपुट के ऊपर. तो आपको एक चीज़ और समझ में आई होगी कि यहाँ पर जो है जो इनिशियल स्टेट है वो विदाउट द रीडिंग ऑफ द इनपुट पड़े ही इन्होंने इनिशियल स्टेट को अप्लाई किया, तो नल इनपुट कहलाएगा वो. इसके कारण क्या है, आउटपुट लेंथ एक ज़्यादा होगी, किससे, इनपुट लेंथ के कारण, जो हमने ऊपर वाले आउटपुट में वैसे तो इंक्लूड नहीं किया है. तो ये इनपुट इज इम्पोर्टेंट फॉर द ट्रांजिशन एंड डज नॉट इफेक्ट दी आउटपुट. आउटपुट को इफेक्ट नहीं करेगा आपका इनपुट, केवल ये हमारे क्या करेगा स्टेट के ऊपर ही डिपेंड करता है मूरे मशीन. अब बात करूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मीले के बारे में. अगर बात करूँ मीले की, तो मीले में क्या होता है कि ये हमारा जो इनपुट और प्रेजेंट स्टेट दोनों पे डिपेंड करता है, जैसे कि आपको क्वेश्चन में यहाँ पे दिख गया होगा.
और इन्होंने यहाँ पर भी ये तीनों चीज़ यूज़ किया, यानी आउटपुट, प्रेजेंट स्टेट एंड प्रेजेंट इनपुट तीनों का यहाँ पर मेल दिखाया जेड जी में। यहाँ पर एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ ये कैसे हो रहा है। तो ये हमारा एग्जांपल है जिसके अंदर आपको अलग अलग दिख रहे होंगे। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं टेबल बनाने की कोशिश करूँ तो हमें सेपरेट सेपरेट यानी इनपुट ए के लिए अलग बनाना होगा और इनपुट बी के लिए अलग बनाना होगा। फिर बताना है कि ए देने पर हमें क्या मिल रहा है, उससे आउटपुट क्या निकला है वो बताना होगा। अब आप खुद ही देख लो ना, Q0 पे ए दे रहा हूँ तो यहाँ पे आउटपुट में बी आ रहा है, और Q0 पे बी दे रहा हूँ तो आउटपुट में ए आ रहा है, यानी अलग अलग आ रहा है। जबकि मूरे में तो सेम आ रहा था, यहाँ पे ए था यहाँ पर भी ए था, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। तो आपको अलग डायग्राम बनाना होगा, अलग टेबल बनानी होगी इसकी। चलिए देखते हैं कैसे बनती है। तो कुछ इस प्रकार की इसकी टेबल होगी। देखो यहाँ पर Q0 पे देने पर ए देने पर हमें Q1 मिला, आउटपुट बी हो गया। इसी प्रकार आपको जैसे बी देते हैं इसके ऊपर Q0 पे तो Q2 मिलता है और इसका आउटपुट ए था। इसी प्रकार Q1 पे क्या दिया और Q2 पे क्या दिया, ए देने पर हमें ये वाली स्टेट मिल रही है और है ना आउटपुट इसके अलग अलग हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, डायग्राम के अकॉर्डिंग। इसी प्रकार बी देने पर अलग स्टेट और इसका डायग्राम अकॉर्डिंग। अगर अपन इसके थ्रू वही हमारा इनपुट रखें और वो डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करें तो हमारा डायग्राम ये होता है। इस डायग्राम में देखो कि आपने Q0 पे ए दिया तो बी मिला, Q1 पे बी दिया तो ए दिया, और इस बार ए देने पर बी मिल रहा है, बी देने पर ए मिल रहा है, ये इसके अकॉर्डिंग हो रहा है। यहाँ से तो आप देख रहे हो कि आउटपुट की लेंथ है यहाँ पे 6, आपने इनपुट दिया यहाँ 6, यानी लेंथ इक्वल टू आई है आउटपुट की लेंथ और आपकी इनपुट की लेंथ, यानी कि ये हमारा हो गया मीले का कंसेप्ट। और इससे साबित होता है कि हमारा जो मीले है वो डिपेंड करता है इनपुट पर और साथ के साथ करंट आपकी स्टेट के ऊपर। तो ये था हमारा मीले और मूरे में बेसिक डिफरेंस। अगली बात